इंद्रदेव देवराज इंद्रदेव इनकी तुष्टता से तो हम भी क्रोधित हैं किंतु अभी आपने कहा था मां आदि शक्ति इनकी संरक्षक हैं इन पर विजय प्राप्त करना तो असंभव है इसीलिए अभी हमारा इनसे युद्ध करना भी व्यर्थ है आप उचित कह रहे हैं अग्निदेव हमें कोई अन्य युक्ति ही सोचनी होगी माता की इच्छा के समक्ष लाचार हो गए हम इस समय यहां से प्रस्थान करना ही उचित होगा असुर सम्राट की जय असुर सम्राट की जय असुर सम्राट की जय असुर सम्राट की जय हमारी रक्षा करने के लिए कोटि कोटि प्रणाम माता अब हम असुरों को पृथ्वी से कोई नहीं हटा सकता सर्वशक्तिमान हूं मैं असुर श्रेष्ठ रुक आप उन ऋषियों की रक्षा करने में असमर्थ रहे देवराज मां तेरे मन में जो जिज्ञासा है उसे शांत कर पूछ ले ये आपकी कैसी विचित्र लीला थी असुर अपने अत्याचार का विस्तार करते रहे और आपके सुरक्षा कवच के कारण सुरक्षित भी रहे देवता ऋषियों की रक्षा करने में भी असमर्थ हो गए तुझे ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं जो भी करती हूँ उसके पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य होता है जिज्ञासा शांत करो इनकी आगे का घटनाक्रम भी बताओ इन्हें माता के कवच को हम कैसे भेज सकते थे इसलिए हम निराश और विवश होकर दारुक के वन से चले हैं किंतु जब हम आपस में विचार विमर्श कर इस समस्या का समाधान ढूंढने और हमारी रणनीति की रचना करने के लिए स्वर्ग लोक की ओर बढ़ रहे थे तभी हमें कुछ दिखाई दिया हाँ दारुक और उसके असुरों के द्वारा फैलाए गए विनाश के मध्य में उन सब से अनछुआ पावन आश्रम क्या एक आश्रम देखा आपने किंतु पृथ्वी पर तो अनेकों आश्रम हैं यदि एक आश्रम और था तो इसमें असाधारण क्या था बात है असाधारण अद्भुत बात है भैया इतनी साधारण घटना में गणेश को क्या असाधारण दिखाई दे रहा है दारुक ने पृथ्वी को आतंकित कर दिया था चहु दिशाओं में विनाश ही विनाश किया था उसने उसके असुर सैनिकों ने सभी ऋषि मुनियों को बंदी बना लिया था उनके आश्रम भी नष्ट कर दिए थे ऐसी अवस्था में यदि देवताओं को इस विनाश से अनछुआ आश्रम दिखाई दिया तो ये तो वास्तव में बहुत ही अद्भुत घटना है भैया हाँ ये तो गणेश उचित कह रहा है इतने विनाश में वो आश्रम कैसे सुरक्षित रहा वो किसका आश्रम था माता ऋषि ऑर्फ का आश्रम था वो और ऋषि उस आश्रम को देखकर हम आश्चर्यचकित थे जो इस विनाश के मध्य अनछुआ खड़ा था जिसे देखकर हमारे मन में एक जिज्ञासा जागी और हमारी जिज्ञासा को देवऋषि नारद ने शांत किया
उन्होंने बताया कि ऋषि ओर्व अत्यंत तेजस्वी ऋषि है। उनकी तापस शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी को भी भस्म कर सकते हैं। ये जानकर तारुका के असुरों ने उनके आश्रम में प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं किया। देव ऋषि नारद का कथन सुनकर हमें विश्वास हो गया कि इस निराशा के अंधकार में ऋषि और भी हमारी आशा की किरण है, और हमने उनसे हमारी सहायता करने की गुहार लगाने की ठान ली। किंतु सावधान देवराज इंद्र, ऋषि का स्वभाव है क्रोधी, हस्तक्षेप करके ना बनिएगा उनके विरोधी। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। देवर्षि नारद, अब कौन सी अग्नि प्रज्वलित करने आए हैं यहाँ? अग्नि कैसी कर रहे हैं आप कथनी? ऋषिवर, आपको भी ज्ञात है कि मैं जो भी कहता हूँ, जो भी करता हूँ, केवल जगत कल्याण की मंशा रखता हूँ। जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके अनुसार तो आप और आपके देवताओं की ये टोली मेरे स्थान पर मेरी अनुमति के बिना प्रवेश करने वाले थे। इसमें भला कौन सा जगत कल्याण छिपा है? इस प्रश्न का उत्तर यदि देवराज इंद्र दे तो उचित रहेगा। क्षमा कीजिए ऋषिवर, संकट भारी है। हम सभी देवता आपके समक्ष सहायता की गुहार लगाने आए। आपको तो अवश्य ज्ञात होगा पूरी पृथ्वी पर कैसा उत्पात मचा है। एक तारुक नामक असुर ने समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, और इसलिए मैं तो आप सभी देवता तो योद्धा हैं। आपको उस असुर को पराजित कर पृथ्वी से खदेड़ देना चाहिए। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूं? हमने युद्ध किया दारुक से, किंतु उसे पराजित नहीं कर सके। अनेकों ऋषियों को बंदी बना रखा है उसने। निर्बल और निर्दोष लोगों को वो अपना दास बना रहा है। ऐसी स्थिति में उन ऋषियों को मां आदि शक्ति की आराधना कर उनसे सहायता प्राप्त करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, ऐसी घटना में मेरे हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है। देवराज हमें मार्ग दीजिए। किंतु ऋषिवर, क्षमा ऋषिवर,
देवताओं की समस्या भी अस्थान पर नहीं है ऋषिवत। समस्त देवता और ऋषि माँ आदिशक्ति की पूजा अर्चना करते हैं, किंतु जब माँ आदिशक्ति असुरों की रक्षा करने के लिए सुनिश्चित है तो क्या करें? असुर समस्त ऋषियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसे में देवता और ऋषि किसके पास जाके रक्षा की गुहार लगाए हैं ऋषिवर? माँ आदिशक्ति असुरों की रक्षक बनी हुई है, परंतु ये कैसे संभव है? अति उत्तम, अत्यधिक सुख की अनुभूति हो रही है प्रिय, पृथ्वी पर हमारा अधिकार। हाँ स्वामी। अति उत्तम है ये मांसाहारी आहार इस पृथ्वी का। हुआ। अब आप ही बताइए ऋषिवर, ऐसी अवस्था में हम सहायता की आस लेकर किसके पास जाएं? कदाचित ऋषिवर इस समस्या का समाधान करने के लिए समर्थ नहीं है, कदाचित वे स्वयं ही विवश है, इसी कारण हमें इस समस्या में ऋषिवर को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जैसी हमारी नियति, हम कोई और उपाय ढूंढ लेंगे। आइए। आ गया ऋषिवर। माँ आदिशक्ति मेरी और आप सभी की माता हैं। सत्य वचन। यदि उन्होंने असुरों की रक्षा करने का चुनाव किया है तो कदाचित उन्हीं के दिए हुए किसी वरदान हेतु वो विवश हैं, या ये उनकी लीला है जिसे हम समझने में असक्षम हैं। किंतु मैं माता के सर्वोच्च भक्तों में से एक हूं और निर्दोषों का रक्षण करना मेरा धर्म है। यदि माता असुरों को संरक्षण देना चाहती हैं तो यह उनकी इच्छा है, किंतु ऋषियों की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं करूंगा उन ऋषियों की रक्षा। आभार ऋषिवर। धन्यवाद ऋषि। धन्यवाद ऋषिवर। देवतागण फिर आ गए यहाँ। अब तुम्हारे आतंक से मुक्त होने का समय आ गया है दारुक। देवताओं प्रतीत होता है
कि हमारे सत्कार से बहुत आनंदित हुए हो तो फिर सत्कार करवाने चले आए। करेंगे पहले भोजन ग्रहण कर। दारुक, हम देवता अत्यंत उदार हैं। यदि जो कुछ भी किसी से पाते हैं उसे उससे भी अधिक मात्रा में पुनः लौटा भी देते हैं। दारुका, ऐसा क्या कारण है इनका साहस इतना बढ़ गया है? किसके बल पर इतना उत्साहित है ये देवगण कि फिर से हमारा सामना करने चले आए? असुर, तुमने निर्दोष ऋषियों को त्रस्त करने का दुस्साहस कैसे किया? इस दुष्ट का यह अठास असहनीय है मेरे लिए। मान गए देवराज इंद्र, मान गए। तुम्हारी बुद्धि और शक्ति। अरे तेजस्वी सूर्यदेव, प्रचंड ताप से संपन्न अग्निदेव, द्रुत गति से संपन्न वायुदेव, अति शक्तिशाली वरुण देव, जब ये मुझे पराजित नहीं कर पाए तो तुम किसे 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 पकड़ा? वयोवृद्ध ऋषि। अच्छा 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 देवराज इंद्र, इस ऋषि को तुम मेरे समक्ष उपहार स्वरूप लाए हो क्षमा याचना के लिए, ताकि मैं तुम्हारी उद्दंडता को क्षमा कर सकूं। तुम बड़े चतुर हो देवराज इंद्र, तुम जानते हो कि मुझे इन ऋषियों का कोमल मांस कितना कितना प्रिय लगता है। मैं इस उपहार के लिए तुम्हारी उद्दंडता को क्षमा करता। अच्छा देवराज इंद्र, पहले पहले इस ऋषि को मेरे निकट लाओ, मैं देखूं तो सही ये मेरे खाने योग्य है या मेरे दास बनने योग्य है कि हमेशा मैं इससे अपनी सेवा करवाता रहूं। सावधान, कदाचित ये हम पर आक्रमण करने जा रहे हैं। देवगण, इनके और मेरे मध्य कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। आप सभी समझ गए ना? मेरे इस आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उचित है ऋषिवर।
ऋषि ने मेरे सैनिकों को भस्म कर दिया। इन दुष्टों के विनाश का आरंभ है ये। मैं ऋषि और दारुक और उसके असुरों को शाप देता हूं। अहंकार और बल का मद व्यक्ति के विवेक को हर कर उसके सोचने और समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।